हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको एक्सरे इंटरव्यू के बारे में। आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो एक्सरे की, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कहीं पे जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो आपने देखना है कि जितना टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, आपको 10 बजे बुलाया तो आपने 10 बजे ही पहुँचना है, 11 बजे बुलाया तो आपको 11 बजे ही पहुँचना है, ठीक है, टाइम का बिल्कुल पंचर होना चाहिए। सेकेंड, आपकी ड्रेसिंग सेंस, कि ड्रेसिंग सेंस में आपको फॉर्मल ही पहन के जाना चाहिए, तो जीन या कटी फटी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, सिर्फ फॉर्मल, ठीक है ना, उससे क्या होगा आपकी थोड़ी वैल्यू और पड़ेगी। तीसरा, आपकी कन्वर्सेशन, ठीक है ना, बोलने की बात करने का स्टाइल, ठीक है ना, मतलब कि जिनको कहते हैं गलबात करने का स्टाइल, ठीक है ना, बातचीत करने का स्टाइल, ठीक है ना। ये तो होगी नॉर्मल इंटरव्यू में, ठीक है ना, आप कहीं भी जा रहे हो, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है ना, कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है ना, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी दूसरी बात, ठीक है ना, पॉइंट दूसरे पे आते हैं। जो भी होएगा आगे, रेडियोलॉजिस्ट है या HR है या कोई सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट है, सिटी का टेक्नोलॉजिस्ट है, MRI का है या एक्सरेज का है, ठीक है ना, तो वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछना है कि लास्ट टाइम आप जॉब कर रहे थे और क्यों छोड़ी, रीज़न पूछेगा, ठीक है ना। CV में आपने रीज़न तो नहीं दिया होगा, वो रीज़न पूछेगा, तो जो रीज़न होएगा आपका वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ना हो कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया, तो फिर उनका क्वेश्चन यही रहेगा भाई कल आपने आपका दिल वहाँ नहीं लगा था, आज आपका दिल जहाँ नहीं लगेगा तो फिर आप जॉब कैसे करोगे, ठीक है। उन्होंने उनको उनके सामने आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। आपका जो भी रीज़न होगा, जो भी छोड़ा है, आपका रीज़न सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तीसरी बात, ठीक है ना, तो आपको एक्सरेज के बारे में पूछेंगे कि आप रूटीन एक्सरेज कर लेते हो, ठीक है ना, मान लो एक चेस्ट एक्सरेज है, ठीक है ना, तो वो चेस्ट एक्सरे के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है ना, कि जो आपके सामने जैसे खुला हुआ ओपन, ठीक है ना, ये चेस्ट एक्सरेज है तो ये आपको किस चीज़ की शेडो दिख रही है, ठीक है ना। आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं कुछ बोलने का, जितना पूछा जाएगा उतना ही आपने आंसर देना है। ये हार्ट है, ये क्या है, ये डोम्स ऑफ डायफ्राम है, ठीक है, ये क्या है, ये क्लेविकल है, और ये क्या, ये रिप्स है, ठीक है ना, राइट साइड रिप्स है, ठीक है ना। जितना पूछा जाए उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा यार आप DRP काम करते थे या CRP काम करते थे, ठीक है ना। यदि आपने DRP काम करा तो आपकी वैल्यू और पड़ेगी, ठीक है ना। ये बातें वहाँ पे होती है जहाँ पे नॉर्मली सेंटर में जहाँ पे होता है NBH, ठीक है ना, आजकल हर हॉस्पिटल वालों को NBH लेनी पड़ रही है, ठीक है ना, उसके बिना आप हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। NVH क्या होता है, NVH एक आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, हर चीज़ पेशेंट आता है तो आप पेशेंट को कैसे अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना, तो हर चीज़ का, मतलब कितना टाइम लगा रहे हो पेशेंट को, रिपोर्टिंग टाइम कितना लगा रहे हो, आप जितनी अच्छी सर्विस दे रहे हो वो सारा NVH में होता है, ठीक है ना। NVH आपकी जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करती है, ठीक है ना। तो NVH का बहुत बड़ा रोल है हॉस्पिटल में, ठीक है ना। ये जहाँ पे NVH है वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको नॉलेज भी है, कल को आपको पेशेंट कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। नॉर्मली सेंटर में जाओगे तो चलो वहाँ पे इतना रोल नहीं है, बट कहीं पे जा रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, पेशेंट भी पूछ सकता है, डॉक्टर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। यदि आप DRP सिस्टम पे काम कर रहे हो या CRP काम कर रहे हो, वो आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, नॉर्मली क्वेश्चन किसी के माइंड में नहीं आएगा, ठीक है ना। DR सिस्टम की फुल फॉर्म इजली डिजिटल रेडियोग्राफी, ठीक है ना। CR की फुल फॉर्म क्या है भाई, कंप्यूटर रेडियोग्राफी, ठीक है ना, जो कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी, ठीक है ना, आप नॉर्मली, ठीक है ना। अब ये तो हो गया CR DR सिस्टम की बात, ठीक है ना। उसके बाद आपको चेस्ट एक्सरे की पोजीशन पूछ सकता है रूटीन एक्सरेज में, ठीक है ना, रूटीन एक्सरेज में आपको पूछ सकते हैं नॉर्मली कि हाँ इसकी पोजीशन बताइए, ठीक है ना, कि हाँ भाई इसकी पोजीशन कैसे करते हैं, चेस्ट एक्सरे की पोजीशन कैसे होती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि PA की पोजीशन ऐसे होती है, AP की पोजीशन ऐसे होती है, तो उसके बाद पूछेगा PA क्यों करते हैं, PA हम लंग्स, ठीक है ना, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है उसको देखने के लिए करते हैं। यदि AP है, AP हम रिप्स फ्रैक्चर के लिए करते हैं, जो ट्रॉमा वाला पेशेंट आता है तो उसके रिप्स देखने के लिए हम AP करते हैं। यदि डॉक्टर ने PA लिखा है तो फिर हम PA ही करेंगे, ठीक है, डॉक्टर के साथ आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, जो डॉक्टर ने लिख दिया वो सही है, ठीक है ना, डॉक्टर ने क्या देखना है हमें नहीं पता, जो डॉक्टर ने लिख के भेजा हम वही कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा कोई क्वेरीज है हम डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से, नहीं तो जो डॉक्टर ने लिखा है हम उस अकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ठीक है ना, हमारा एक्सरेज का हो गया, DRCR का हो गया, पोजीशन का हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद एक्सपोजर, नॉर्मली एक्सपोजर पूछ सकते हैं कि आपको एक्सरेज में
चेस्ट में कितने एक्सपोजर दे रही हो, ठीक है ना, तो नी में कितने दे रही हो आप, मास्टोइड में कितने दे रहे हो, सर्वाइकल में, स्पाइन में कितने दे रहे हो, लंबर में कितने दे रहे हो, जो बोलो। अभी डिजिटल में इतना वो वाला लफड़ा नहीं होता जो पुराने होता था, ठीक है ना। अभी तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी है उस अकॉर्डिंग लगा देते हो, उसके बाद आप विंडोज़ की कंट्रास्ट सेट करके आप उसको प्रिंट दे सकते हो, ठीक है। अभी जो रूटीन एक्सरे की बात खत्म, एक्सपोजर की बात खत्म, उसके बाद यदि आपको रूटीन से थोड़ा ऊपर पूछे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्काइलन भी पूछ लेंगे, मास्टोइड पूछ लेंगे, हिप जॉइंट पूछ लेंगे, और जो लेग्स में, सर्वाइकल में, एक्सटेंशन फ्लेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, स्पाइन में, ठीक है ना, तो जहाँ आपके लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी में एंगुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम हिप जॉइंट करते हैं, पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटा देते हैं टेबल पे, ठीक है ना, उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसको 10 डिग्रीज़ का, 30 डिग्री का या 50 डिग्री का इसको एंगल दे दीजिए, ठीक है ना। तो आप बंदा कन्फ्यूज रहता है कि एंगल कैसे देना है, आपने क्या करना है, उसको फुट को थोड़ा रोटेट कर देना है, ठीक है ना, उसको मतलब कि 30 डिग्री या 40 डिग्री एंगल दे देना है। वो क्यों देंगे, जो होता है हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट से ना जो नेक होती है, हम नॉर्मल पेल्विस का एक्सरे मारेंगे तो उसमें अच्छा नहीं दिखेगा, यदि उसको एंगल दे के करेंगे, उसका जो नेक होता है ना, नेक ऑफ फीमर, वो अभी अच्छा दिखाई देगा, उसमें कोई फ्रैक्चर होएगा, ठीक है ना, वो भी अच्छा दिखाई देगा, इसलिए हम उसका एंगुलेशन करते हैं, ठीक है ना। वो जो डॉक्टर बोलेगा उस अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 20 डिग्री कितना होता है, 40 डिग्री कितना होता है, 50 डिग्री कितना होता है, ठीक है। ये होगी एक्सरेज की बात। अभी नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना, बेरियम प्रोसीजर, ठीक है ना। बेरियम क्यों पिलाते हैं, जो बेरियम हम इसोफिगस देखने के लिए, स्टमक देखने के लिए, ड्यूड्रम देखने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन देखने के लिए पिलाते हैं, ठीक है ना। तो यदि उन्होंने पूछ लिया कि हाँ भी बेरियम मील BMF की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, बेरियम मील फॉलो थ्रो, ठीक है ना, बल्कि जो बेरियम निमा क्यों करते हैं, ठीक है, बेरियम निमा हम लार्ज इंटेस्टाइन देखने के लिए करते हैं, कोई ब्लॉकर्स वगैरह तो नहीं है, इसलिए करते हैं, ठीक है ना। बल्कि ऐसे आपको स्टडी के बारे में पूछ सकते हैं डिटेल में, तो आपने देखना है अच्छे से कि बेरियम क्यों करते हैं, कौन सा प्रोसीजर क्यों करते हैं, जितने भी एक्सरे के प्रोसीजर है मेनली जितने आते हैं, IBP तो एक सिंपल है, लेकिन IBP के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। IBP की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रावीनस फाइलोग्राफी, ठीक है ना। उसके बाद RGU, MCU, फीमेल है तो उनको HSG के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि आपने IBP करी है, जी हाँ बिल्कुल सर हमने IBP करी हुई है, ठीक है, चलो IBP आपने करी है तो आप पेशेंट को कैसे अटेंड करोगे। सबसे पहले सर हम पेशेंट को पुराना कोई इसका कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही, उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। सेकेंडली उसको हम जो भी हिस्ट्री है, उसका पुराना रिकॉर्ड है वो देखेंगे, इसके कौन सी साइड में स्टोन है, कितना बड़ा स्टोन है, ठीक है ना, तो उसको मेडिसिन लिख के देंगे, चारकोल लिख के दे देंगे, ठीक है, ताकि उसका पेट साफ हो जाए, ठीक है ना। बाकी जो मेडिसिन नहीं आप हम लिख सकते तो हम डॉक्टर को डॉक्टर से लिखवा के दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। कम से कम एक दिन की पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है कि पेशेंट का पेट बिल्कुल सही रहे, ठीक है ना, गैस वगैरह ना दिखे, जिससे हमारी IBP है वो अच्छी दिखाई दे, ठीक है ना। यदि पेशेंट चाय पी के आ जाएगा, कुछ खा पी के आ जाएगा, तो उससे हम उसमें क्या होगा, जो आपकी IBP है वो अच्छी दिखाई नहीं देगी, उसमें गैस ही गैस हो जाएगी, तो आपको IBP करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम IBP करेंगे तो सबसे पहले मेन सीखना, सबसे मेन क्या है, IBP करने से पहले पेशेंट का हम कंसेंट साइन लेंगे, ठीक है। अभी कंसेंट साइन से भी एक मेन है, ठीक है, पेशेंट का क्रिएटिनिन, ठीक है ना, ब्लड सैंपल हमने देखना है पेशेंट की किडनी कंट्रास्ट सहन करने की क्षमता है या नहीं है। ऐसा ना हो कि पेशेंट की क्रिएटिनिन ज़्यादा हो, हमने उधर कंट्रास्ट दे देते हैं, ठीक है ना, तो पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है, पेशेंट की मौत भी हो सकती है, ठीक है ना, पेशेंट डेड भी हो सकता है, ठीक है। इससे पहले हमने कंट्रास्ट करने से पहले हमेशा, ठीक है ना, कोई भी कंट्रास्ट स्टडी है तो हमने क्रिएटिनिन करवाना ही करवाना है, उसके बाद ही हम पेशेंट को जेल को लगाएंगे, उसके बाद ही पेशेंट का कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है ना। RGU, MCU, ठीक है ना, RGU, MCU के बारे में आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, यदि आपको आता है तो बात अलग है, ठीक है। मतलब यदि एक होता है रेडियोग्राफर नॉर्मली रूटीन एक्सरे वाला, और एक होता है प्रोसीजर वाला, ठीक है ना। यदि आप नॉर्मली रूटीन एक्सरे कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपको सैलरी भी उस अकॉर्डिंग देंगी, ठीक है। यदि आप बोलोगे हाँ भी प्रोसीजर आते हैं मेरे को, कोई भी प्रोसीजर करवाना है करवाइए, ठीक है ना, तो आपकी सैलरी भी उस अकॉर्डिंग लगेगी, आपकी वैल्यू भी उस अकॉर्डिंग ही पड़ेगी, ठीक है ना। कोई भी एक्सरेज करते हो तो हमने सबसे पहले, ठीक है ना, पेशेंट को पूछना होता है प्रेगनेंसी तो नहीं है, फीमेल पेशेंट को, ठीक है ना, यंग पेशेंट है तो उसको पूछना ही पूछना है प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है ना। अब
कोई सीनियर होता है इसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है। हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, बट वो बड़ी बड़ी बातों को तो देगा ही देगा, छोटी बातों पे भी ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है ना। उसने कहा कि पेशेंट फीमेल पेशेंट आता है तो आप उसको एक्सरे करोगे, कैसे करोगे आप बताओगे हम ऐसे नहीं। उन्होंने कहा आपने इनको प्रेगनेंसी पूछा तो बात फिर वहाँ पर रुक गई, ठीक है ना। ये NBH वालों हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। NBH में जा रहे हो तो आपने पूरा होश आवाज़ में ही जाना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैं चला गया कि वहाँ इंटरव्यू देके आता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पुट करते हैं, ठीक है ना, जिसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ठीक है ना, एक्सरे रूटीन हो गई, प्रोसीजर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वो पूछेंगे आपने प्रोसीजर करा, IBP करा, पेशेंट को रिएक्शन हो गया तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। यदि पेशेंट को रिएक्शन होता है हम एवल इंजेक्शन देंगे, हाइड्रोकोट इंजेक्शन देंगे पेशेंट को, ठीक है ना, ताकि पेशेंट का जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए, ठीक है ना। पहले पेशेंट की हमने हिस्ट्री लेनी है, आपको कोई रिएक्शन नहीं है, नहीं है कभी कभार फिर भी रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को। एक रिएक्शन होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर में क्या आता है, नोजिया, वॉमटिंग, हेडेक, इचिंग, ठीक है, आपकी स्किन रशेस हो जाएंगे, ठीक है, मसल्स पेन होएगी, फीवर होएगा, आंखों में पानी आएगा, ठीक है ना, फेस में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये माइनर में है, ठीक है। यदि ज़्यादा मेजर, मेजर में क्या होएगा, आपके जीभ जो होते हैं टंग, टंग को स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, गले में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, जो हमारा ट्रैकी होता है ना उसके अराउंड, ठीक है ना, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस चढ़ने लगेगा, सांस आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे क्या ये मेजर में आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो सकते हैं आपको, जो मतलब कि मेन ये मैंने आपको बता दिया जो स्टार्टिंग लक्षण है, ठीक है ना, जिससे आपको देखोगे कि हाँ भी पेशेंट को रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमने क्या देना है, हमने पेशेंट को फटाफट पेशेंट को एंटी डोज देनी है, एंटी एलर्जिक देनी है कि पेशेंट को रिएक्शन हो चुका है, हमने एलर्जिक मतलब कि इसका तोड़ निकालना है, ठीक है ना। इंजेक्शन देने एवल दे सकते हैं, हाइड्रोकोड दे सकते हैं। उसके बाद यदि लगा कि पेशेंट को नहीं कुछ होता तो हम नज़दीक हॉस्पिटल में पेशेंट को एमरजेंसी में भेज सकते हैं। यदि अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में हॉस्पिटल नहीं होता, ठीक है, डायग्नोस्टिक एक बकरा होता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल एक बकरा होता है, आप एमरजेंसी में जाके पेशेंट को भेजोगे, उसका सब कुछ बताओगे हमने ये किया है, इसलिए पेशेंट को रिएक्शन हो गया, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको सिचुएशन को टाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके मेडिसिन के बारे में और रिएक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसकी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले फीमेल पेशेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पेशेंट को हम प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी तो नहीं है, है तो कितने मंथ की प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करते हैं, सीटी स्कैन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यदि हमने क्या करना है, उसके यदि फिर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि उसका एक्सरे करना ही करना है, कोई हल नहीं है, तो उसमें क्या होता है, हम पेशेंट के साइन ले लेते हैं, एक ब्लैंक पेज पे पेशेंट के साइन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बट हम एक्सरे नहीं कर सकते, बट करना भी पड़ेगा, तो उसमें सारा कुछ लिख के उसके साइन करवा लेते हैं कि आप अपनी मर्जी से एक्सरे करवा रहे हो, ठीक है ना। कल को पेशेंट उठ के कोई सवाल ना कर सके कि मैंने तो एक्सरे नहीं करवाना था, इन्होंने ज़बरदस्ती करवाया है। पेशेंट के साइन, पेशेंट के रिलेटिव के साइन, टाइमिंग, एज, मोबाइल नंबर, बल्कि लिखा जाता है उसमें सारा, और उसके बाद पेशेंट को प्रॉपर सेव किया जाता है, ठीक है ना। पेशेंट के अराउंड, ठीक है ना, जो लेड एप्रन होता है वो बांध दिए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि पेशेंट में प्रेगनेंसी वाले एरिया को कवर कर सके, उसमें रेस ना जाए, ठीक है ना, उसको कवर किया जाता है। उसके बाद पेशेंट का एक्सरे किया जाता है, ठीक है ना। तो आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हो, आप अपनी सेफ्टी भी लेड एप्रन डाल के सेफ्टी अपनी कर सकते हो। तो उसके साथ हम रेडिएशन बैच, ठीक है, रेडिएशन बैच भी पहन सकते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी हो सकती है, हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने लेवल पे कितनी मात्रा में जो रेडिएशन लग चुकी है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को संभाल सकते हैं, ठीक है ना, अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट होती है कि कितने लेवल तक आपको रेडिएशन लगनी चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा लगेगी तो आपके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, आपके जो ह्यूमन्स ऑर्गन होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा आप क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो आपको अच्छी वैल्यू, अच्छी पोजीशन और अच्छी सैलरी देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अभी बात हम करते हैं सैलरी की, ठीक है। अभी क्या होता है, नॉर्मली सैलरी एक्सरे टेक्नीशियन की, जो नॉर्मली हम डायग्नोस्टिक सेंटर में होते हैं ना, जो हॉस्पिटल में, 15,000, 17,000, 18,000, ठीक है, बल्कि इससे ज़्यादा कोई देखे खुश नहीं है, ठीक है ना। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको इतनी, आपने जितनी भी मांगी सैलरी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यदि उसमें आपको कम दी जाती है सैलरी, तो आपने एक बात का ज़्यादा रखना है, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आपके करियर के लिए, ठीक है ना, आपने क्या करना है, जितनी सैलरी दे रहे हैं, यदि वो बोल रहे हैं आपने मांगी उनसे 18,000, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे नहीं जी हम तो 16,000 देंगे, 15,000 देंगे,
आपको ज़रूरत है, आपने डील फाइनल कर दिया है, ठीक है जी सर, मैं कोई बात नहीं, मैं 16,000 में काम करूँगा, ठीक है, तो ठीक है आप टाइमिंग बताइए। वो बोलेंगे जी आपको ने 9 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है ना, मतलब कि 9 से 5 है, 9 से 4 है, मान लो कोई भी जो भी जितने घंटे की ड्यूटी बोल रहे हैं, ठीक है ना, 10 से 6 है या 10 से 4 है, तो आपने एक ही बात बोलनी है, सर मैं इतना टाइम नहीं कर सकता। जिस अकॉर्डिंग आपने सैलरी है बोलना नहीं, आपने खुद सोचना है कि आपको जब जितनी सैलरी मांगी उससे कम दे रहे हैं तो आपने टाइम भी उतना माइनस कर देना है, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी है सर, मैं 7 घंटे की ड्यूटी करूँगा, सर मैं इतने से इतने ड्यूटी कर सकता हूँ, ठीक है ना, इतनी सैलरी में, ठीक है ना। क्योंकि देखो आजकल यही होता है, हर कोई चाहता है कि हाँ भी टाइमिंग पूरा लेना लेना है, सैलरी कम देनी है, ठीक है ना। तो उनसे पूछने वाला हो भाई, जो हमने आने जाने का किराया है वो कहाँ से, वो भी तो सैलरी से निकालना है। आने जाने का 100 रुपया किराया लगता है, ठीक है ना, जब पेट्रोल का 1 लीटर लगता है, 1 लीटर 110 रुपये है, तो आप एक्सरे टेक्नीशियन को 12,000 दे रहे हो, 15,000 दे रहे हो, तो उसको क्या बच रहा है। आप 9 घंटे ले रहे हो उससे, 10 घंटे ले रहे हो, 10 घंटे में 15,000 दे रहे हो, तो कोई एहसान तो नहीं हो रहा, वो काम कर रहा है तो पैसे ले रहा है, ठीक है ना। तो आपने ये बात तो सबसे पहले ही कर लेनी है, ठीक है ना, टाइमिंग की बात, जिस अकॉर्डिंग सैलरी दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपने टाइमिंग कर लेना है। टाइमिंग जितना कम करोगे उतना आपके लिए अच्छी आपकी सैलरी है, उस अकॉर्डिंग आप टाइम करो, ठीक है ना। 9 घंटे की बोल रहे हैं, सैलरी कम दे रहे हैं, तो आप उनको बोले सर मैं 8 घंटे की ड्यूटी करूँगा या 7 घंटे की ड्यूटी करूँगा, ठीक है ना। जब 12 घंटे की ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दे रहे हैं, तो आप उनको बोलोगे सर मैं 9 घंटे ड्यूटी कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे सामने वाला बंदा है वैसे ही आप हो जाओ, ठीक है ना। ये आपके लिए था, ये कोई उनके लिए नहीं था कि हाँ भी ये पूछेंगे, ये आपके लिए था कि हाँ भी जितनी सैलरी दे रहे हो उतना टाइम आप उनको दो, उस अकॉर्डिंग टाइम दो जितनी आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो बल्कि यही एक इम्पोर्टेंट आपका इंटरव्यू था, इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के आप आंसर याद कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा जॉब ना देने के लिए, ठीक है ना। तो वो सोचेगा इतनी नॉलेज है बंदे को तो इसको जॉब तो देनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ लगी होगी कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको अच्छे से समझिए, याद करिए इंटरव्यू देने से पहले, तो आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेस होएगा, ठीक है ना। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, आपने बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।